हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के सारे बच्चों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। ते सारे का मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज असी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करांगे। ते नौवें क्वेश्चन की रकम देखो। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर डूंगी एक बेलनाकार टैंकी अंदरूनी व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर नाल जोड़ता है। जेकर पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल बह रहा है तो किन्ने समय बाद टैंकी पूरी भर जाएगी। अ फार्मर कनैक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इन टू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक किसान ने अपने खेत दे विच एक खूह बनाया, ठीक है, टैंकी बनाई, यानी कि एक टैंकी बनाई, बेलनाकार टैंकी है, ठीक है, इस तरह की टैंकी उन्हें अपने खेत बनाई। तो एक नहर तो उन्हें एक पाइप द्वारा जिहड़ा पानी है ना इस टैंकी दे विच पाया, ठीक है। पानी की स्पीड जी 3 किलोमीटर पर आवर है, एक घंटे 3 किलोमीटर पानी जरा दूरी तय करता। तो जी पाइप है यदा जो डायमीटर है वह हैगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जोड़ा टैंकी है, टैंकी का जोड़ा व्यास हैगा वह सूँ दिता है 10 मीटर, तो टैंकी की डूंघाई जी 2 मीटर है, ठीक है। हुण असीं ये पता करना कि जिहड़ा पानी इहदे विच जिस स्पीड नाल आ रहा तो पानी जिहड़ा किन्ने टाइम दे विच टैंकी जिहड़ी भर जाएगी। असीं इत्थे पता की करना है, टाइम, ठीक है, वॉल्यूम इहदा पता करांगे, इहदा भी वॉल्यूम पता करांगे। 3 किलोमीटर पर आवर जिहड़ी स्पीड आ, एक घंटे च पानी की लंबाई फिर 3 किलोमीटर बननी है, ठीक है। तो इहदा वॉल्यूम कढ़ांगे, इहदा वॉल्यूम कढ़ांगे, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम पता करांगे। जदों असीं इहदा वॉल्यूम पता करांगे तो सानूं इह पता होएगा कि इह जिहड़ा इन्ना पानी है वह एक घंटे च आउंदा है, जिहड़ा इह वॉल्यूम है इह किन्ने समें दे विच बणदा है, एक घंटे च, तो इन्ना वॉल्यूम जिहड़ा उह किन्ने टाइम च बनेगा, असीं इह अखीर ते पता करांगे, ठीक है। इकाई मैथड लावांगे इत्थे कि इन्ना वॉल्यूम है तो समा लगता एक घंटा, जे एक वॉल्यूम होएगा एक मीटर क्यूब होएगा तो किन्ना टाइम लगेगा, तो जे इहदा जिन्ना वॉल्यूम आएगा वह तो फिर किन्ना समा लगेगा। बेलनाकार पाइप का व्यास, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है यदा जोड़ा डायमीटर है। हूँ असी सेंटीमीटर के मीटर से असं इन कन्वर्ट करा, क्योंकि ये जी टेंकी है यदा वॉल्यूम साढ़े को मीटर आना, ठीक है, इनू भी असं मीटर रखा मीटर बनावे, तो ये किलोमीटर है ये भी मीटर बनावे, ठीक है, असी कन्वर्ट करना इन्हों बाद। हुण 20 सेंटीमीटर आ गया, इनू असी लिख लेंगे 20/100 मीटर, 20 × 20 तो 20 × 5 = 100, यह आ जाना 1/5 मीटर, यदा डायमीटर आ गया। हुण असी इहदा पता करांगे रेडियस, ठीक है, पाइप का अर्ध व्यास, रेडियस ऑफ पाइप, इन दो ना डिवाइड करना 1/5 तो फिर दो ना इतने गुणा हो जाएगी थले 1/10 मीटर आ गया, ठीक है। हुण पाइप की लंबाई, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप असं यही लैनी है 3 किलोमीटर, एक घंटे का असी टाइम स्पैन लैके
उस वेले जिहड़ी टोटल लंबाई होएगी पानी दी वह 3 किलोमीटर। ठीक है, इनू भी असं मीटर च कन्वर्ट करांगे तो यह हो जानी आ 3000 मीटर। हुण इत्थे कारण लिख दांगे, क्योंकि पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल वग रहा है, ठीक है, बिकॉज स्पीड ऑफ लिखते हैं, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हुण असीं इत्थे करांगे, 1 घंटे विच वगे पानी दा आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 आवर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। हुण इह जिहड़ी लेंथ है इहनूं असीं एच लवांगे, तो यह जिहड़ा रेडियस है इहनूं असीं आर लवांगे। ठीक है, यह बन जाणा साडे कोल 22/7 गुणा 1/10 रेडियस है। ठीक है, तो इहनूं गुणा करांगे 1/10 नाल, तो फिर एच हाइट असीं 3000 मीटर लई आ, यह हो जाना मीटर क्यूब। ठीक है, हुण देखो ए दस दी एक सिफर कट गई, ए दस दी एक सिफर इत्थे कट गई, साडे को की रह गया 22/30/7 गुणा कर लई इहनूं, 3 × 6 × 6 = 660/7 m³ आ गया। ठीक है, 1 घंटे जिहड़ा पानी वगदा उहदा वॉल्यूम। ठीक है, हुण असीं टैंकी का वॉल्यूम पता करना है, तो उस तो पहले टैंकी के डिमेंशन लिखांगे। टैंकी का व्यास डायमीटर ऑफ टैंक इज इक्वल टू 10 m। टैंकी का अर्ध व्यास रेडियस ऑफ टैंक 5 m हो गया, हाफ हो जाएगा। टैंकी की डूंघाई डेप्थ ऑफ टैंक दो मीटर, टैंकी का आयतन वॉल्यूम ऑफ टैंक ये भी साढ़े को पाई आर स्क्वेयर एच। हुण इत्थे असीं इहनूं आर लवांगे तो ये एच है साडा। ठीक, पाई आ गई साडी 22/7, आर किन्ना आ गया 5 × 5 × 2, 25 × 50 तो 25 × 50 22/50/7 m³। इहनूं भी सॉल्व कर लईए, 0, 5 × 10, 10 × 1 = 1100/7 m³ आ गया। ठीक है, हुण असीं समा पता करना, इन्ना पानी है ना जिहड़ा इहनूं वगण 'च 1 घंटा लगता, असीं हुण इत्थों इकाई मैथड दे नाल सवाल करांगे। 660/7 m³ पानी भरन लई लगा समा, टाइम टेकन टू फिल 660/7 m² इज इक्वल टू 1 आवर, इन्हों से लिखांगे 60 मिनट्स। ठीक है, 1 m³
पानी भरन लगा समा। ठीक है, ये आ जाना साढ़े को 60, ये अपॉन च डिवाइडेड बाय 660/7। ठीक है, ज अपॉन च लिख लो या डिवाइड कर लो, सेम थिंग है। उस तो बाद असी पता कि असी भरनी है कि वॉल्यूम असी करना 1100/7। 7 मीटर क्यूब पानी भरन लगा समा, यह 1 मीटर क्यूब न समा टाइम लगता। ठीक है, तो इन्ने मीटर क्यूब नगेगा तो असं इनू मल्टीप्लाई करा 60। हूँ यह जो डिवाइड है इनू असी चेंज कर लिए लगते ही, ये 7/660 हो जाना, तो मल्टीप्लाई असी ये करा सीधा ही 1100/7। ये 7 ना 7 कट गए। ठीक है, ये 0 11 66 11 1 11 11 1 11 तो 2 0 100 आ गया, 100 मिनट लगना। ठीक है, 100 मिनट के जो टैंकी है वह भरेगी जे पानी 3 किलोमीटर की स्पीड न उस पाइप च आ रहा है। तो क्वेश्चन साडा कंप्लीट हो गया, ये ही साड़ी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो हम अगली एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है नैक्सट वीडियो करा, तद तक इजाज़त दो, बाय बाय।